नमस्ते, स्वागत है आपका प्रो म्यूजिक साउंड में। तो मैं बात कर रहा हूँ, यदि आप भक्ति सॉन्ग बना रहे हैं तो आपका साउंड सिलेक्शन कैसा होना चाहिए, चाहे हिंदी हो, चाहे भोजपुरी हो, चाहे और कोई भी लैंग्वेज, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि मैटर ये करता है कि जिस तरह का हमारा सॉन्ग है उस तरह का म्यूजिक होना चाहिए, है ना। तो हम इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो एक गाना का डमी है मेरे पास जो कि भक्ति सॉन्ग ही है, एक बार सुन लीजिए थोड़ा सा। तो इस तरह का ये सॉन्ग है, ठीक है जी। अब मैं आपको बता दूं, ऐसे तो कोई भी आप साउंड ले सकते हैं, इसका कोई भी बाउंड्रीज नहीं है कि नहीं जी यही लगाना है, आपकी मर्जी है, क्या अच्छा लग रहा है वो सब कुछ आप कर सकते हैं। कुछ मैं थोड़ी बहुत टिप्स देना चाहूँगा कि अगर आप इस तरह के साउंड सिलेक्शन रखते हैं तो एक भक्ति गाना जब आप बनाएंगे, उसका म्यूजिक बनाएंगे, तो काफ़ी अच्छा लगेगा, फील आएगा उसमें, ठीक है। तो स्वर प्लग में ही बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। स्वर प्लग में जैसे सितार है, डेफिनेटली हमारे माइंड में जरूर ऐसा आता है कि अगर भक्ति गाना है तो सितार होना चाहिए, फ्लूट होना चाहिए, इस तरह के जो टोन है काफ़ी अच्छे लगते हैं भक्ति गानों में। तो अगर मैं सितार की बात करूँ तो आप एक बार सुन सकते हैं, एक बार प्ले करते हैं, देखिए। तो कितना अच्छा लग रहा है, एक फील आ रहा है, राइट। और इसमें बहुत सारे आपको साउंड मिल जाएंगे, जैसे अगर मैं बात करूं तो सितार के सिवा शहनाई, डेफिनेटली आप शहनाई यूज कर सकते हैं, एक बार इसको भी हम प्ले करते हैं। तो शहनाई यूज कर सकते हैं, और शहनाई को और एक साउंड आप और ऐड कर देंगे तो एक टूटी टाइप का साउंड बन जाएगा। जैसे एक मैं स्पायर का ऑलरेडी साउंड ले रखा है, दोनों को एक बार प्ले करूंगा तो देखिए ये टूटी की तरह साउंड करेगा। आपने सुना होगा कि इस तरह के साउंड काफी यूज होते हैं बहुत सारे भक्ति गानों में। इस तरह का साउंड आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा डेफिनेटली अगर बांसुरी है, जैसे दीवा का एक है मुझे अच्छा लगता है लीड में जाके, मैं इसको भी यूज कर लेता हूं। तो आप फ्लूट यूज कर सकते हैं, इनके सिवा अगर आप चाहे तो ऑर्गन यूज कर सकते हैं, ऑर्गन का साउंड जैसे आप, मैंने ये जो है कि मैंने ये प्योरिटी का लिया है, आप किसी और वीएसटी को यूज कर सकते हैं, जैसे एक बार इसको प्ले करते हैं। सो ऑर्गन यूज कर सकते हैं, और आप यूज करना चाहें इसमें तो थोड़ा सा बेल टाइप का जो साउंड आता है, इस तरह का कुछ साउंड जो अभी हम प्ले कर रहे थे, इस तरह का साउंड यूज कर सकते हैं। देन हारमोनियम यूज कर सकते हैं, काफी अच्छा लगेगा, स्वर प्लग में भी है, या आपके पास और कोई वीएसटी है तो आप हारमोनियम यूज कर सकते हैं, जैसे काफी अच्छा लगेगा, हारमोनियम यूज कर सकते हैं, और बेंजो अगर भोजपुरी में काम करें तो डेफिनेटली बेंजो और भी अच्छा लगेगा, ठीक है जी। बेंजो यूज कर सकते हैं,
और यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट ओपन किया है मैंने, आप स्ट्रिंग साउंड भी यूज कर सकते हैं जैसे सो स्ट्रिंग साउंड यूज कर सकते हैं आप, अच्छा लगेगा, ठीक है जी। और बहुत सारे ऐसे लीड साउंड है जो यूज कर सकते हैं, तो एक फील आएगा आपके गानों में। मतलब मेरा ये है कि आपके सॉन्ग के अकॉर्डिंग, अगर आप रोमांटिक सॉन्ग बना रहे हैं तो उस तरह का साउंड सिलेक्शन होना चाहिए, अगर डांस म्यूजिक बना रहे हैं तो साउंड सिलेक्शन बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपने गलत साउंड सिलेक्शन कर लिया तो गाने का फील मर जाता है। और एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, जब आप कॉर्ड बनाएं तो गिटार साउंड जरूर यूज़ करें, काफ़ी अच्छा लगेगा भक्ति गानों में। जैसे देखिए यहाँ पे वोकल के साथ मैं कुछ प्ले करता हूँ, तो आपने सुना कि अगर मैंने गिटार का साउंड लगा दिया तो कितना मतलब अच्छा लगने लगा है। मैंने आपको थोड़ी बहुत आइडिया दिया है कि किस तरह से आपका साउंड सिलेक्शन होना चाहिए, ताकि एक भक्ति सॉन्ग बना रहे हैं तो उस तरह का फील आए। आप ऐसे चाहे कोई भी साउंड लगा सकते हैं, चाहे लीड हो, चाहे एनी अदर साउंड्स, राइट। सो आई होप कि इस ट्यूटोरियल से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।